देखो यार, अपन लोगों ने ना यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट को तो बना लिया है आसान, मगर ये काम अभी पूरा नहीं हुआ है। जब तक कि हम उस पर कुछ लॉजिकल क्वेश्चंस और न्यूमेरिकल्स नहीं करते, तो चलिए इस वीडियो में कुछ लॉजिकल क्वेश्चंस कुछ न्यूमेरिकल कर डालते हैं। जो पहला क्वेश्चन यहां से बनता है ना अपने एग्जाम में, वो क्या बनता है? वो ये बनता है, स्टेट द रीजन व्हाई टू इंडिपेंडेंट सोर्सेज ऑफ लाइट कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज अ कोहेरेंट सोर्सेज। मतलब कि मैं बजाज कंपनी के दो बल्ब खरीद के लाता हूं, दोनों 40 वाट के हैं, दोनों सेम कंपनी में बने हैं, इसके बावजूद दोनों के दोनों कोहेरेंट सोर्सेज नहीं है। क्यों नहीं है? हमें एक ही सोर्स को दो जैसा क्यों बनाना पड़ता है, तब जाकर अपन कोहेरेंट मानते हैं? तो ये क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछा जाता है। उसका बहुत सिंपल सा लॉजिक है कि यार देखो, आप किसी भी एलिमेंट को लोगे, अगर आपके पास सपोज करो एक बल्ब है, ये दूसरा बल्ब है, अब इसका जो फिलामेंट है उसके अंदर मिलियंस बिलियंस में एटम्स होंगे। अब अगर वो एटम्स हैं तो जब एमिट कब होती है लाइट? जब हमारे पास कुछ कहानी ऐसी बनती है कि यार ये अपने पास न्यूक्लियस है, ये बहुत सारे ऑर्बिट हैं, जब इलेक्ट्रॉन हायर ऑर्बिट से नीचे लोअर वाले ऑर्बिट में आता है, उस समय वो अपने साथ एनर्जी को एमिट करता है, वो विजिबल रेंज में होती है तो अपन को दिखता है। अब तुम ये बताओ, हम लोग दो लोग एक साथ खड़े होके बोलेंगे तो हम सिंक में नहीं बोल पाएंगे? यहां तो मिलियंस में एटम्स हैं, और वो एटम्स के इलेक्ट्रॉन जब वापस अपनी ओरिजिनल स्टेट में आएंगे तो क्या सेम फेज में निकालेंगे वो लाइट को? नहीं, कांस्टेंट फेज डिफरेंस नहीं रहेगा, तो कोहेरेंट कैसे बनेंगे? तो बस इसी चीज को हमको मेंशन करना है। कैसे मेंशन करना है? द टू इंडिपेंडेंट सोर्सेज ऑफ लाइट कैन नॉट बी कोहेरेंट, दिस इज बिकॉज लाइट इज इमिटेड बाय इंडिविजुअल एटम्स, जो मैंने अभी तुम्हें बताया, व्हेन दे आर रिटर्न टू द ग्राउंड स्टेट। मतलब जब अपनी एक्साइटेड स्टेट से इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट में आता है, उस समय जो लाइट एमिट होती है, इवन द स्मॉलेस्ट सोर्स ऑफ लाइट कंटेन्स बिलियंस ऑफ एटम्स विच ऑब्वियसली कैन नॉट एमिट लाइट वेव्स ऑफ सेम फेज। और अगर सेम फेज नहीं हुई तो भैया ये हमारे पास कोहेरेंट नहीं कहलाएंगे। तो ये हमारे पास है आंसर इसका। नोट्स तुम्हें नीचे पीडीएफ में मिल जाएंगे, सारे सारे वीडियो के नोट्स अपलोड हो चुके हैं, तो उनको जाकर एक बार डाउनलोड कर लो, और ये तुम्हारे काम का है, पहले भी आया हुआ है। अगला क्वेश्चन क्या बनता है? व्हाई आर कोहेरेंट सोर्सेज नेसेसरी टू प्रोड्यूस अ सस्टेन इंटरफेरेंस पैटर्न? सस्टेन का मतलब ही समझ लो पहले, तो इस अंग्रेजी का मतलब समझे अपन। सस्टेन मतलब जो जहां बना हुआ है वो वहीं रहे, मतलब ब्राइट है तो ब्राइट रहे, डार्क है तो डार्क रहे। क्या दो अलग अलग वेव्स सुपर इंपोज होकर इंटेंसिटी को अप और डाउन नहीं कर सकती? कर सकती हैं, मगर अगर फेज डिफरेंस कांस्टेंट नहीं हुआ तो जहां पर पहले ब्राइट था वहां पर डार्क बन जाएगा, फिर वहीं पे ब्राइट बन जाएगा, फिर वहीं पे डार्क बन जाएगा। हमें कुछ समझ में आने वाला नहीं है। अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या, और अभी तो समझ में आ नहीं रहा था, अब जैसे तैसे करके समझ में आया, और अब ऐसी सिचुएशन बन जाएगी तो और मुश्किल हो जाएगा समझना। इसीलिए दो कोहेरेंट सोर्सेस, अपन को कोहेरेंट सोर्सेस की जरूरत क्या पड़ती है, क्यों पड़ती है? क्योंकि उनका फेज डिफरेंस होता है कांस्टेंट, और इसीलिए वो सस्टेन इंटरफेरेंस प्रोड्यूस करते हैं। मतलब कि मैक्सिमा और मिनिमा की पोजीशन चेंज नहीं होती, उसी पॉइंट पर बनती है। सो सस्टेन इंटरफेरेंस के लिए इसलिए बनता है क्योंकि कोहेरेंट सोर्सेज में फेज डिफरेंस कांस्टेंट रहता है, और अगर फेज डिफरेंस कांस्टेंट नहीं रहेगा तो सस्टेन इंटरफेरेंस नहीं होगा, और ऐसा सिर्फ तब होता है जब सोर्सेज कैसे हों, हमारे कोहेरेंट सोर्सेज हों। इसीलिए हम लोगों को कोहेरेंट सोर्सेज ही चाहिए सस्टेन इंटरफेरेंस के लिए। इसके बाद ये तो बहुत बार पूछा गया और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, व्हाट इज द इफेक्ट ऑन द इंटरफेरेंस फ्रिंजेस इफ द मोनोक्रोमैटिक सोर्स इज रिप्लेस्ड बाय अ वाइट लाइट। हम लोगों ने जो YDSE पढ़ा था उसमें जो लाइट ली थी उसकी वेवलेंथ फिक्स थी, एक ही वेवलेंथ थी, एक मतलब मोनोक्रोमैटिक। अगर मैं व्हाइट लाइट लूंगा तो क्या होगा? तो देखो, व्हाइट लाइट लेने पर कुछ ऐसा होगा, ये मेरे पास हो गए दो स्लिट और ये हो गया मेरे पास स्क्रीन। अब अगर मैं व्हाइट लाइट का यूज करूं, तो होगा क्या? होगा ये कि सेंटर में तो कोई दिक्कत नहीं है, सारी की सारी लाइट पहुंचेगी, तो यहां पर तो तुम्हें एक ब्राइट कलर का जो स्पॉट है वो मिलेगा। मगर क्योंकि फ्रिंज विड्थ का फॉर्मूला अपन ने प्रीवियस वीडियो में देखा है, लैम्डा डी अपॉन डी। अब कैपिटल डी डिस्टेंस बिटवीन स्लिट एंड स्क्रीन नहीं बदल रहा, डिस्टेंस बिटवीन स्लिट्स भी नहीं बदल रहा, मगर वेवलेंथ वायलेट का सबसे कम होता है तो उसकी जो फ्रिंज बनेगी वो पिद्दू सी बनेगी, और रेड का सबसे ज्यादा होता है, हमारा हीरो भी वही है, इसीलिए रेड कलर की फ्रिंज विड्थ सबसे ज्यादा होगी। तो सेंटर में तो सारे कलर आ रहे हैं तो व्हाइट बनेगा, मगर क्योंकि फ्रिंज विड्थ सबसे ज्यादा है रेड की, इसलिए आउटर साइड पे रेड दिखेगा,
इनर साइड पे वॉयलेट दिखेगा और इसके बाद तो भैया सेंटर में तो तुम कुछ बोल पा रहे हो, मगर अब क्या होगा, ऐसे वॉयलेट, ऐसे वेल वॉयलेट ऐसे रहेगा, ये रेड ऐसा रहेगा, ऐसे बाकी सारे कलर भी रहेंगे, सब मिल जाएंगे। अभी तो डायग्राम समझ में नहीं आ रहा, फिर सोचो स्क्रीन पे क्या होगा, सब हॉच पॉच हो जाएगा और हॉच पॉच हो जाने की वजह से कुछ नहीं दिखेगा। तो इसीलिए द सेंट्रल फ्रिंज विल बी रिमेन वाइट, ऑल द अदर कलर्स विल फॉर्म इंडिविजुअल मैक्सिमास विद द लीस्ट वेवलेंथ वॉयलेट फॉर्मिंग इट्स ब्राइट क्लोज टू द सेंट्रल ब्राइट। और इसके बाद देर इज नो डेफिनेट पैटर्न, इनफैक्ट वो भी मुझे यहां पर एड कर लेना चाहिए, देर इज नो डेफिनेट पैटर्न, देर इज नो डेफिनेट पैटर्न, कोई डेफिनेट पैटर्न होने वाला नहीं है अगर आप व्हाइट लाइट, और ये तीन पॉइंट अगर आपने मेंशन कर दिए कोई आपके मार्क्स काट नहीं सकता, और ये क्वेश्चन हद से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब आता है अपने पास न्यूमेरिकल, ये भी लॉजिकल टाइप का ही क्वेश्चन है, बट हाँ फिर भी, हाउ डज द फ्रिंज विड्थ ऑफ अ इंटरफेरेंस फ्रिंज चेंज व्हेन द होल एपरेटस ऑफ द यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट इज कैप्ट इन अ लिक्विड ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.3। जब भी आप पूरे के पूरे YDSE को, अब अगर आप बीटा का फॉर्मूला पढ़ो तो बीटा का फॉर्मूला क्या था हमारे पास, लैम्डा इनटू कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी, अगर ये एयर है तो वेवलेंथ इन एयर, अब आप मीडियम में भी डाल दोगे तो कैपिटल डी और स्मॉल डी तो बदलने वाला नहीं है, मगर जैसे ही तुम मीडियम में घुसोगे तो मीडियम में तुम्हारे पास हो जाएगा लैम्डा मीडियम, क्योंकि मीडियम में वेवलेंथ तो बदल जाती है गुरु, और अगर वेवलेंथ बदल गई तो ये हो गया स्मॉल कैपिटल डी बाय स्मॉल डी, दोनों का ले लो रेशियो, तो ये हो जाएगा बीटा एयर अपॉन बीटा मीडियम इज इक्वल टू, जब रेशियो लोगे तो कैपिटल डी स्मॉल डी हो जाएगा कैंसिल, बचेगा क्या, लैम्डा ए अपॉन लैम्डा एम। और वो जो तुम्हारे रे ऑप्टिक्स के लेक्चर है ना, अगर तुमने अच्छे से देखे होंगे तो उसमें मैंने ये बताया था कि लैम्डा ए अपॉन लैम्डा एम होता है म्यू, तो बीटा ए अपॉन बीटा मीडियम, बीटा इन एयर मतलब कि फ्रिंज विड्थ इन एयर अपॉन फ्रिंज विड्थ इन मीडियम इज इक्वल टू म्यू। जब भी हम मीडियम में जाते हैं तो हमारी फ्रिंज विड्थ म्यू टाइम्स कम हो जाती है, तो इसका मतलब है कि अगर आपने एक लिक्विड में डाल दिया जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.3 है, तो आपको यहां बताना पड़ेगा कि मीडियम में जो फ्रिंज विड्थ होगी वो एयर की 1.3 टाइम्स कम हो जाएगी, इट विल डिक्रीज बाय 1.3 टाइम्स, क्यों, क्योंकि यहां म्यू की वैल्यू दे रखी थी, अगर म्यू को म्यू लिखा होता या बोला जाता कि मीडियम में डाल देंगे तो क्या होगा, तो आप बोलोगे कि मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के टाइम्स कम हो जाएगी, मगर यहां वैल्यू दे दी तो आपको लिखना पड़ेगा 1.3 टाइम्स कम हो जाएगी पहले के कंपैरिजन में। तो ये आपके पास एक और अच्छा क्वेश्चन हो गया, मैं बिल्कुल सिलेक्टिव करवा रहा हूं, जो क्वेश्चन बस उसी टाइप के क्वेश्चन आए हैं आज तक पेपर में और आगे भी वैसे ही आएंगे, और एनसीईआरटी कवर हो रही है तुम्हारी इसके साथ। तो अब हमारे कुछ न्यूमेरिकल, चलो एक तो ये हो गया, तो अपन को ये याद हो गया कि जब भी मीडियम में जाएंगे तो अपने पास जो फ्रिंज विड्थ है वो म्यू टाइम्स कम हो जाएगी। इसके बाद लेजर लाइट ऑफ वेवलेंथ 640 नैनोमीटर इंसिडेंट ऑन अ पेयर ऑफ स्लिट of interference pattern in which the bright fringe are separated by 7.2 millimeter, मतलब bright fringe separated मतलब क्या, सबसे बड़ी बात तो यही समझना है कि bright fringes are separated by, भैया दो bright fringe के बीच की distance क्या होती है, fringe width होती है, इसका मतलब है उसने अपन को fringe width दे दिया गुगू 7.2 millimeter। अब आपको बोला गया कि जब आपकी wavelength कितनी थी, जब आपकी वेवलेंथ थी 640 नैनोमीटर उस समय आपकी फ्रिंज विड्थ कितनी थी 7.2 मिलीमीटर। मैंने कहा था गिवन ढूंढना ही सबसे बड़ा काम है, जिसने गिवन ढूंढ लिया उसने अपनी कहानी पूरी सॉल्व कर डाली। तो बीटा आपके पास 7.2 मिलीमीटर है, लैम्डा 1 दे रखा था, उसके बाद बोला कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ अनदर सोर्स ऑफ लाइट व्हिच प्रोड्यूसेस इंटरफेरेंस फ्रिंजेस सेपरेटेड बाय, मतलब दूसरे वाले की वेवलेंथ निकाल कर लाओ, जब आपको फ्रिंज विड्थ कितनी आ रही है उस केस में 8.1 मिलीमीटर आ रही है। इतना तो मैंने समझ लिया और इतना मुझे क्वेश्चन भी समझ में आ गया। ऑल्सो यहां के बाद वाला जो पॉइंट है यहां पर देखो गौर से, उन्होंने लिखा है ऑल्सो फाइंड द मिनिमम वैल्यू। अरे ये पार्ट बी है, मैं क्यों अभी से इसकी टेंशन लूं, मैं पार्ट बी की टेंशन बाद में लूंगा, मैं अभी किसकी टेंशन लूं, पार्ट ए की, जो मुझे पहला वाला सॉल्व करना था। आपको बीटा और लैम्डा दे रखा है और सेम ऑपरेटस है, उसी एपरेटस में कर रहे हो, तो कैपिटल डी और स्मॉल डी बदलेगा क्या, बिल्कुल नहीं बदलेगा। अच्छा क्वेश्चन है, इसी टाइप के क्वेश्चन आए हैं एग्जाम में। तो सबसे पहले गिवन देख लो जरा, गिवन देख लिया तो फॉर्मूला देखो, बीटा इज इक्वल टू लैम्डा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी, कैपिटल डी नहीं बदल रहा है स्मॉल डी नहीं, इसका मतलब है बीटा इज प्रोपोर्शनल टू लैम्डा।
अगर बीटा इज प्रोपोर्शनल टू लैम्डा है, मतलब कि बीटा 1 अपॉन बीटा 2 इज इक्वल टू लैम्डा 1 अपॉन लैम्डा 2। पहले वाले केस में बीटा कितना है 7.2। मैं बिल्कुल टेंशन नहीं ले रहा क्योंकि दोनों मिली मिली में दिए हैं, मिली मिली को मिली करके गायब कर देंगे अपन, मतलब कि जब रेशियो लेंगे तो मिलीमीटर निपट जाएगा। तो जाने दो उसको, 7.2 अपॉन 8.1 इज इक्वल टू लैम्डा 1 कितना दे रखा था 640 नैनोमीटर में, याद रखना तो आंसर भी नैनोमीटर में आएगा। लैम्डा 2 हमको निकालना था, डेसिमल हटा दो इसका। जैसे ही आप यहां से इसका डेसिमल रिमूव करोगे आपके पास क्या मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा 72 डिवाइडेड बाय 81 इज इक्वल टू 640 डिवाइडेड बाय लैम्डा 2। अब बस इसको कट करो, सॉल्व कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, लैम्डा 2 निकाल दो, मुझसे पहले निकाल देना। उम्मीद है तुमने मुझसे पहले सॉल्व कर लिया होगा। 72 अपॉन 81 है तो ये हो जाएगा 9 से 9 8 9 9 और 8 से ये हो जाएगा 640, कितने टाइम्स, ये हो जाएगा 80 टाइम्स। और अगर 80 टाइम्स है तो 9 × 80 विल बिकम 720। सो आंसर इज 720 नैनोमीटर। पहला पार्ट खत्म हुआ, अपन ने गहरी सांस ली, जैसे ही पहला पार्ट खत्म हुआ अपन बिल्कुल ऐसे चौड़े हुए, अरे हमने तो न्यूमेरिकल सॉल्व कर लिया। भूल मत जाना पार्ट बी भी सॉल्व करना है। अब और ज्यादा महत्वपूर्ण हो गया, इंपॉर्टेंट हो गया, क्यों, क्योंकि अब तुमको पार्ट बी की तरफ भागना है। पार्ट बी में क्या करोगे, पार्ट बी में ये बोला है आपसे कि फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ ऑर्डर एन ऑफ ब्राइट फ्रिंज ऑफ शॉर्टर वेवलेंथ व्हिच कोइंसाइड्स विद द लॉन्गर वेवलेंथ। अरे कहना क्या चाहते हो। अब मैं ये मानता हूं कि तुम्हें नहीं पता और कुछ समझ में भी नहीं आ रहा क्या कहना चाह रहा है, और मैं इसको बिल्कुल अलग तरह से ले रहा हूं। अब एक काम करते हैं अपन, इसको ना जुगाड़ लगाते हैं, आंसर निकाल लेगी। अगर एक राउंड सर्कल है यहां पर, ए और बी दोनों ने दौड़ना स्टार्ट किया एक साथ। अब ए और बी दोनों ने जब यहां से दौड़ना स्टार्ट किया एक साथ तो हुआ क्या, हुआ ये कि ए चल रहा था स्लो, बी चल रहा था फास्ट। तो ए तो धीरे धीरे घुग्गू ऐसे आगे बढ़ रहा था, मगर बी ने तेजी से आगे बढ़ा। अब मैं आपसे बोलता हूं कि ए और बी दोबारा यहां पर कब मिलेंगे, तो देखो ए तो बिल्कुल धीरे 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 चल रहा था, बी तेजी से आगे चल रहा था। तो जब एक राउंड यहां पर बी ने कंप्लीट किया तो ए तो यहां कहीं पीछे पड़ा होगा, फिर बी आगे आया फिर से तेजी से। तो ये दोबारा तब यहां पर तब मिलेंगे जब ए का तो अपने पास जो भी राउंड होगा उससे एक राउंड ज्यादा बी घूम चुका होगा। नहीं आई बात समझ, पहले राउंड के बाद बी आगे, फिर थोड़ा सा और बी आगे, फिर थोड़ा सा और बी आगे। तो जब पहले पॉइंट पे वो कब मिलेंगे, जब बी कितना आगे जा चुका होगा, पूरा का पूरा एक सर्कल। समझ में आई बात। अगर ये बात तुम्हारे समझ में आ गई, बस इसी चीज को मैं तुम्हारे दिमाग में बिठाने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर आपके पास दो वेवलेंथ हैं और आपसे कहा गया कि ये कोइंसाइड करें, तो ये कोइंसाइड तब करेंगे जब जो जिसकी वेवलेंथ कम है, जिसकी वेवलेंथ कम है उसका बीटा भी कम होगा। जब छोटे वाले का एन, मान लेते हैं छोटे वाले की एनथ फ्रिंज ओवरलैप कर रही है किसके साथ, बड़े वाले के साथ, तो छोटे वाला जो है उसकी वेवलेंथ तो छोटी है, वेवलेंथ छोटी है तो फ्रिंज विड्थ भी छोटी होगी, मतलब कि ये जल्दी जल्दी रिपीट होगा। और बड़ा वाला जो है उसकी वेवलेंथ ज्यादा है, उसकी वेवलेंथ ज्यादा है तो उसकी फ्रिंज विड्थ भी ज्यादा होगी, जब ज्यादा होगी तो ये कम आएगा। तो कितना कम आएगा, अभी बताया था ना मैंने, दोनों कम मिलेंगे, ए और बी जब कम मिल रहे थे, जब छोटा वाला जो तेज भाग रहा था वो एक साइकिल आगे चला गया था, इसका मतलब है कि बड़े वाले की कितनी हो जाएंगी अपने पास n-1, मतलब कि छोटे वाले की कितनी फ्रिंजेस 8, तो बड़े वाले की कितनी 7, क्यों, क्योंकि बड़े वाले की विड्थ ज्यादा है, धीरे धीरे रिपीट होगा, और छोटे वाले की विड्थ कम है, जल्दी जल्दी रिपीट होगा। और अगर नहीं आया ना ये बात समझ में, तो देखो भाई बीटा लैम्डा तो तुम बदल, लैम्डा तुम्हारा बदल रहा है, तुम्हारा कैपिटल डी भी नहीं बदल रहा है, स्मॉल डी भी नहीं बदल रहा। तो अब क्या करोगे तुम बस बीटा की वैल्यू रख दो, एन इंटू ये पार्ट बी है, लैम्डा स्मॉल इंटू कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी, एन माइनस वन लैम्डा बिग इंटू कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी, और यहां पर कैपिटल डी स्मॉल डी कैंसिल। मैं तुम सबको ये बूटी देना चाहता हूं कि छोटे वाले की अगर एनथ वाली ओवरलैप कर रही है तो बड़े वाले की एक कम, यानी कि एन माइनस वन इंटू लैम्डा बिग। जब भी ओवरलैपिंग वाला क्वेश्चन आए तो ये दिमाग लगा लेना, एन इंटू लैम्डा स्मॉल, स्मॉल वाला एक ज्यादा, एन माइनस वन इंटू लैम्डा बिग। अब एन इंटू लैम्डा स्मॉल कितना दे रखा है तुमको, कितना था तुम्हारे पास, छोटा वाला कौन है, छोटा वाला तुम्हारे पास 640 होगा कि जो तुमने निकाला 720 तो n into 640 is equal to n minus 1 into 720। अब ये कैंसिल हो रहा है,
जीरो कैंसिल हो गया, एट से कैंसिल हो गया, ये आ जाएगा एट एन इज इक्वल टू एन माइनस वन इंटू नाइन, और ओपन कर दो एट एन इज इक्वल टू नाइन एन माइनस नाइन, नाइन इधर आ गया एट एन, नाइन इज इक्वल टू नाइन एन माइनस एट एन, यानी कि एन इज इक्वल टू आ गया नाइन, मतलब कि छोटे वाले की नाइन्थ फ्रिंज ओवरलैप कर रही है बड़े वाले के टेंथ के साथ। बिल्कुल सिंपल था, n into lambda small is equal to n minus 1 into lambda big। जब भी ओवरलैपिंग वाला क्वेश्चन आए, कॉम्पिटिटिव में भी भर भर के आया ये, आपको सिर्फ ये फंडा लगाना है, छोटा वाला एक ज्यादा चल चुका होगा किससे, बड़े वाले से, वो धीरे धीरे चल रहा था, छोटा वाला तेज भाग रहा था, तो अगर छोटे वाले की nth वाली ओवरलैप कर रही है तो बड़े वाले की कौन सी होगी, एक कम, n माइनस वन, लैम्डा की बीटा की वैल्यू रख दी, और उसके बाद सिंपली वैल्यू रखने के बाद उसको मैंने सिंपल सॉल्व कर दिया, मेरे पास आंसर सामने निकल के आ गया। अब मेरे दोनों पार्ट हो गए, अब मैं 56 इंच का सीधा ऐसे चौड़ा कर सकता हूं और बोल सकता हूं कि हाँ भाई मैंने ये क्वेश्चन कर डाला। नोट्स में नीचे निकाल लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये तीनों के तीनों क्वेश्चन। अब आता है अपने पास इस कहानी का अंत करने के लिए लास्ट, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट था जिसमें दोनों स्लिट के बीच की डिस्टेंस है 0.15 मिलीमीटर, मतलब कि स्मॉल डी की वैल्यू है 0.15 मिलीमीटर, ठीक है। अब इसके बाद क्या बोला, एक वेवलेंथ से इल्यूमिनेट किया जिसकी वेवलेंथ तुम्हारे पास कितनी है 450 नैनोमीटर, दी स्क्रीन इज कैपिटल डी, स्क्रीन कितनी डिस्टेंस पर है 1 मीटर अवे फ्रॉम द स्लिट, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ सेकेंड नंबर वन ब्राइट, नंबर टू सेकेंड डार्क फ्रिंज, तो सेकेंड ब्राइट की भी डिस्टेंस निकालनी है, सेकेंड ब्राइट डार्क की भी निकालनी है, कहां से, सेंट्रल से, और फिर पार्ट बी की तरफ बाद में आएंगे। तो सबसे पहले तो इंटरफेरेंस का क्वेश्चन है, और मैं तुम लोगों से हमेशा से कहता आया हूं कि इंपॉर्टेंट है फॉर्मूला, पोजीशन ऑफ किसी भी फ्रिंज की निकालनी हो तो वो होता है डेल्टा डी बाय स्मॉल डी। अब अगर आपसे मैं कहूं इसका सबसे पहला वाला पार्ट, ए का फर्स्ट पार्ट, जिसमें मैंने कहा कि ब्राइट फ्रिंज, सेकेंड ब्राइट फ्रिंज, तो ब्राइट फ्रिंज के लिए डेल्टा होता है एन लैम्डा, ये डेल्टा डी बाय डी तो हमने निकाला है, तो अगर ये हमारे पास आ गया तो ये हो जाएगा एन लैम्डा डी बाय स्मॉल डी, और क्योंकि सेकेंड ब्राइट है इसीलिए एन की वैल्यू 2, तो सेकेंड की डिस्टेंस कितनी आ जाएगी, एन हो गया 2, लैम्डा कितना हो गया अपने पास 450 नैनोमीटर, 450 × 10⁻⁹, कैपिटल डी हो गया 1, कैपिटल डी दे रखा था 1, और डिस्टेंस बिटवीन द टू स्लिट्स ये हो जाएगा अपने पास 0.15 × 10⁻³। जल्दी से इसको सॉल्व कर दो, तुम्हारे पास y2 निकल के आ जाएगा। जब डार्क की बातें करोगे तो डार्क के केस में यहां पर डेल्टा अपन ने ब्राइट में लिया था n लैम्डा, डार्क में लेंगे 2n-1 लैम्डा बाय 2, और जल्दी से उसको सॉल्व करो, मैं भी सॉल्व कर रहा हूं, तुम भी सॉल्व करो। तो लो भाई मैंने सॉल्व कर दिया, n की वैल्यू 2 रख दी, लैम्डा की वैल्यू 450 × 10⁻⁹, d की वैल्यू 1 रख दी, और स्मॉल d की वैल्यू 0.15 × 10⁻³ रखी। जैसे ही रखा तो ये आ गया अपने पास 450 × 2 हो गया 900, और यहां पर अपने पास 10⁻, ये डेसिमल हटाएंगे तो ये बचेगा 15, और 10⁻² चला जाएगा हमारे पास ऊपर। अब अगर आप देखो तो 15 से ये कैंसिल हो जाएगा कितने टाइम्स, 60 टाइम्स 900, ये आ जाएगा अपने पास 10⁻⁹, 10⁻², मतलब -7, और ये ऊपर जाके +3, तो बचेगा 10⁻⁴, एक माइनस फोर से यहां चला गया तो ये हो गया 6 × 10⁻³ मीटर, यानी 6 मिलीमीटर। अगर तुम्हारा आंसर सही है और मुझसे पहले है तो जरा शाबाशी ले लो फुर्ती में।
अब आगे बढ़ जाओ जरा जल्दी से, और अपने पास दूसरी कंडीशन क्या थी? दूसरी कंडीशन ये थी कि आपको निकालना था सेकंड डार्क की पोजीशन। डार्क के लिए डेल्टा कितना होता है अपने पास? डार्क के लिए डेल्टा होता है 2n-1 into lambda/2। और आप जैसे ही इस फॉर्मूले में डेल्टा की वैल्यू यहां पर रखोगे तो आपको मिलेगा 2n-1 lambda/2 into capital D/d। n की वैल्यू 2 रख दो, 4-1 ये हो जाएगा 3। यहां पर जब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा 0.3, और डेसिमल हटाओगे तो ऊपर हो जाएगा अपने पास 100। 0.30 आया, 100 हो गया ऊपर। अब देखो यहां क्या बच रहा है, 3, नीचे क्या बच रहा है 30, तो एक जीरो तो ये कैंसिल, ये 3 से 3 हो गया कैंसिल। ये अपने पास जो पावर है जब इनको सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा अपन को, 10 की पावर -4। यहां पर एक चाहो तो 45 की जगह पर लिख दो 4.5 into 10 की पावर -3, यानी कि 4.5 मिलीमीटर। ये आ गया अपने पास सेकंड का आंसर, मतलब कि सेकंड डार्क की अपने पास पोजीशन। इससे बड़े क्वेश्चन नहीं आते हैं दोस्तों। हाउ विल द फ्रिंज पैटर्न चेंज इफ द स्क्रीन इज मूव्ड अवे? अगर स्क्रीन को दूर लेके जाओगे तो फ्रिंज पैटर्न पे क्या फर्क पड़ेगा? तो बीटा इज इक्वल टू लैम्डा डी बाय डी। अगर तुम डी को बढ़ाओगे, दूर लेके जा रहे हो स्क्रीन को, अगर डी को दूर लेके जा रहे हो तो ये डी बढ़ेगा तो बीटा बढ़ेगा। मतलब कि सिंपल सा लॉजिक है, इफ यू इंक्रीज द डिस्टेंस ऑफ द स्लिट फ्रॉम द स्क्रीन देन फ्रिंज विड्थ विल इंक्रीज, दैट्स इट। सीधी सीधी कहानी लिखनी थी। तो ये जो मैंने तुम्हें कुछ क्वेश्चंस बताए हैं इससे अलग नहीं आने वाले हैं, इनको अच्छे से कर डालो और अपने साथियों को भी बता दो। तो भैया इस वीडियो में तो इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना गलती से भी मत भूलना। जय हो।